चालान तो हमारा ट्रैफिक का रोजमर्रा का ही कार्य है, और अभी हमने जो पिछले हफ्ते से हमने ये किया है कि प्रत्येक जो बिजी पॉइंट है उसको टारगेट करते हुए एक एक घंटे फिक्स पॉइंट रखा है, और जिसमें हम 3 सवारी बिना हेलमेट मोबाइल पे बात करते हुए और टेम्पो रूट के जो अंदर बाहर का है रूट निर्धारण का जो है उसको लेकर के और दूसरे जितने भी एमवी एक्ट के प्रावधान है उसके तहत हम पॉइंट फिक्स करके वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। दौनी वाले जो मेहमान चल रहे रोड के ऊपर, बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको अभी तक का मुझे आंकड़ा तो पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन लगभग पर डे हम कम से कम 5-7 कर रहे हैं। नहीं, स्टाफ की कमी नहीं होती है, लेडीज़ के चालान करते वक्त अधिकतर करते हैं, जनरली करते भी हैं। कुछ जो पुरुष कर्मी है वो ये सोचते हैं कि अगर हम चालान के दौरान हमारे ऊपर आरोप लगाती है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं या मेरा महिला जो अपने कर्मी है उसको साथ में रखती हूँ और लेडीजों के चालान बनवा रहे हैं। बिल्कुल जो भी चिन्ह है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो बिना पैटर्न के नंबर लिखे हुए हैं और पैटर्न है उसके आसपास आप कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसका बांध करके चलने वालों पर अभी तक तो कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि कार्रवाई करें, लेकिन हम उनको ये सजेशन करते हैं कि आप चेहरा खोल करके चलें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपकी पहचान है चेहरा, इसको छुपाएं नहीं।